हेलो एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। वैसे गुड आफ्टरनून इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग लेट से स्टार्ट किया है, दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं अभी और सुबह से कुछ काम था। अगर काम जानना है तो मैं तो शॉर्ट्स देखो, एक शॉर्ट्स अपलोड किया है दोपहर में आज, वो वर्क कर रहा था। बेसिकली शॉर्ट्स में भी एक छोटा सा मॉड्यूल देखने को मिलेगा तुम्हें, एक्चुअली में वो बड़ा सा फ्लो चार्ट है पूरा बड़े से चार्ट में मतलब, तो एक वो कर रहा था। उसके बाद कुछ आज भी आज जो दृष्टि का मेरा कोर्स है उसमें कुछ मेरे लिए सरप्राइजेज है। क्या वो सरप्राइज है, क्या सब कुछ है, सब कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। फिलहाल तो नहाने जा रहा हूँ, फ्रेश होंगे उसके बाद फिर खा पी के फिर पढ़ने बैठेंगे और दिखाता हूँ क्या कुछ मेरे लिए नया है। अभी मैंने देखा है मतलब थोड़ा सा देखा, बट डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले नहाते हैं फिर खा पी के पढ़ने बैठेंगे। तो नहा के तैयार हूँ और आगे की प्लानिंग जो पढ़ाई वगैरह है वो करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले अपना ये बोर्ड इसे लगाते हैं बेड पर। चलो थोड़ा प्लानिंग पहले कर लेते हैं आज क्या करने वाले हैं अपने दिन भर में, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। प्लानिंग के लिए मुझे ये वाला पेपर भी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बना सकूँ। ये मेरा डेली का वर्क रहता है मतलब रिवीजन टाइप में, जो टोटल वर्क मेरे को करना होता है एक पूरे महीने में। ये कुछ रिसोर्स और ये डेली का टारगेट रहता है। तो ये तो 19 का ही लिखा हुआ है और आज है 21, तो चलो पहले 21 का बनाते हैं शेड्यूल। पंद्रह से 20 मिनट की मेहनत के बाद मेरा ये पूरा टारगेट बन के तैयार है। तो डेली वाइज मैंने नहीं बनाया क्योंकि अब मुझे देखना है, क्योंकि अब महीने का एंड आ रहा है तो क्या क्या चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, तो वो पूरा एक लिस्ट बना लिया मैंने और इसी के अकॉर्डिंग डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे। और डेली वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं अभी किस पोजिशन पर और कितना मेरा वर्क बाकी है और मैंने किया है। तो 21 से 30 तारीख 10 दिन का टारगेट है। इकोनॉमी में 2 टॉपिक मेरे बचे हैं इस मंथ का टारगेट में से, मेरा जो मैंने टारगेट पहले बहुत पहले बनाया था इस मंथ का, उसमें फिस्कल पॉलिसी और बजट और इन्फ्लेशन ये दोनों करूँगा। हिस्ट्री का एक मेजर चंक बचा है क्योंकि ये एंशियंट वाला पार्ट ही है। इसके बाद 2 और है, संगम और गुप्ता। अगर ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो उसको मैं इसी मंथ कंप्लीट करूँगा, अदरवाइज फिर वो नेक्स्ट मंथ जाएगा। तो इसमें एक 5 चैप्टर्स ये हैं। उसके बाद ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सीरीज है, ये भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है मेरे पास, उससे भी प्रैक्टिस होगा। बेसिकली ये प्रैक्टिस इन्हीं सब का रिवीजन है, जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करना है और इसी का रिवीजन भी होगा। ये मेरा डेली का टारगेट था मतलब रहता था, और अभी इसे मैंने 10 दिन मतलब 10 दिन का जो बचा हुआ उसको मैं उसमें मैंने कंपाइल कर दिया है। उसके अलावा और भी वर्क हमारे पास रहता है, जैसे क्लास वर्क हो गया और एडिटोरियल पढ़ना हो गया, एसे राइटिंग हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, तो ये कुछ वर्क रहता है। फिर करंट अफेयर हो गया, तो ये सब भी वर्क अपना रेगुलर बेसिस पे चलेगा, ऐसा नहीं कि वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो भी रेगुलर बेसिस पे चलेगा। उसके अलावा जो मेन फोकस रहेगा वो इन चीज़ों पर रहेगा ताकि ये इस मंथ कंप्लीट हो और अपना टारगेट अचीव करें। तो ये था मेरा पूरा टारगेट बनाने का आज का, जिसमें मुझे लगभग 15 मिनट लगे क्योंकि सब कुछ देख के खोज खोज के सब कुछ पर्टिकुलरली एक एक चीज़ एक एक पॉइंट नोट करना था। तो ये पूरा था मेरा टारगेट आज का। टारगेट बनाने के बाद एक और मैंने आपसे कहा था कि कुछ सरप्राइजेस हैं जो इस वाले ऐप में मतलब दृष्टि का जो मेरा क्लास चलता है उसमें है। ये देखो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025, मतलब जो इस बैच में जो पढ़ रहे हैं और 2025 में देना चाह रहे थे तो वो उनके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दे दिया गया है। पेमेंट कंप्लीट मतलब पेमेंट नहीं, ये सबको फ्री में ही मिला है। तो इसमें सी सेट भी इंक्लूड है, देख लो थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। देखो 20-30 टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें 20 GS के हैं और 10 CSAT के हैं, तो ये एक टेस्ट सीरीज मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि अब क्या है कि देखो मेरा टारगेट तो वैसे 26 का है, तो 2025 में जो मैं सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँगा, जो टेस्ट यहाँ पर आएंगे, जितना सिलेबस मेरा कंप्लीट होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट दूंगा और फिर देखूंगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, या मुझे और कुछ प्रोग्रेस की चाहिए। तो एक ये बेहतरीन सा आ गया है। दूसरा एक सरप्राइज वो तो बस मेरे लिए, क्योंकि देखो इंडियन पॉलिटी का जो छूटा हुआ क्लासेस बचा हुआ था वो भी मेरा आ गया, तो ये भी मेरे लिए था कि चलो ठीक है अब ये आ चुका है। मैंने खोल के देख रहा था कि ये कब का है, तो ये पुराना मॉड्यूल का कुछ दिया हुआ है और इसके बाद कुछ नए भी ऐड होंगे जो शायद डेली ना हो, शायद वीकली हो, पता नहीं, अभी तो मुझे इसके बारे में कुछ खास डिटेल पता नहीं है। कल ही शायद ऐड हुए हैं ये पूरे, तो
अब इतना सारा क्लास और मेरे ऊपर आ गया है, तो ये सब भी कंप्लीट करना है टाइम पर। तो आज का यही सब है पूरा, ये कोई सरप्राइज है। उसके बाद एक PDF मिल रहा है जिसमें बहुत सारा एडिटोरियल्स वगैरह रहता है और न्यूज़ वगैरह का PDF रहता है। तो ये एक पहले से और एक मैगज़ीन का टेस्ट होता है, देख ये है, ये करंट अफेयर का क्लास होता है। तो ये सब बेसिकली मिला है। मैं इस बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि CSET वाला एक टेस्ट मिल गया, ताकि अपनी कैपेबिलिटी चेक कर लो और जो टॉपिक्स तुम्हें पता हो नहीं पता हो उसे पढ़ लो। तो एक CSET वाला मिल गया, एक तो मेरे लिए अच्छी बात थी। दूसरा GS वाला टेस्ट मिल गया, मतलब GS वाला टेस्ट तो होता ही है, प्रीलिम्स वाला टेस्ट मिल गया एक। तो 2025 वाले जो एग्ज़ाम देंगे वो टेस्ट मैं भी ट्राई करूँगा, देखूँगा कि मैं किस पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ। तो खैर डेट वगैरह है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अगले साल मई तक चलेगा पूरा ये टेस्ट, और शायद हर वीक है या कुछ है, ऐसा मैंने देखा नहीं अभी अच्छे से। तो वो एक टेस्ट हो गया, तो उससे एक बहुत बढ़िया फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और इसी तरह से टेस्ट वगैरह जितने भी होंगे आप सब देने वाले हैं। अपन बहुत सारा पहले भी दिया है क्योंकि उतनी पढ़ाई नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, तो उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे। तो जैसे 25 क्वेश्चन होते थे 20-22 क्वेश्चन तक सही हो जाते थे, बहुत अगर बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा हुआ टॉपिक रहता था तो, और नहीं रहता था तो 4-5 ही बनते थे 20-25 क्वेश्चन में से। तो इस तरह से टेस्ट वगैरह रहता था मेरा। अभी प्रॉपर ध्यान देना है क्योंकि अब सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है। तो चलो पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग में, जो आपको दिखाने वाला हूँ कि आज का क्या होने वाला है। 4 बज चुके हैं और अभी जो मैंने टारगेट सोचा है वो आई थिंक फिस्कल पॉलिसी और बजट, ये वाला टारगेट सोचा है कि क्योंकि एक घंटे में आई थिंक मेरा हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पढ़ रखा है पहले ही। तो फिस्कल पॉलिसी एंड बजट वाला एक चैप्टर अगर हो जाए एक घंटे में तो बेस्ट रहेगा। तो चलो सबसे पहले उसी टारगेट को आज कंप्लीट करते हैं। कहाँ है बुक, ये रहा बुक, और फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग कहाँ है, पेज नंबर 110। तो 110 निकालते हैं थोड़ा। फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग देखो लाइन पर हुआ है ना, थोड़ा पढ़ा है, बहुत नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है यहाँ तक डेफिसिट फिनांसिंग, ये वाला पार्ट बीच में छोड़ के ये सब पढ़ा था थोड़ा, ये सब हो गया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस तक पढ़ा, फिर यहाँ से पढ़ना बाकी। बट क्योंकि अभी फिर से करने वाले हैं और ये बहुत पहले ही पढ़ा था मैं, शायद क्लास के टाइम में पढ़ा होगा, तो इसको फिर से पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, कितना पेज है पता नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं। एक घंटे का समय अपने पास बाहर जाने से पहले, जब मैं इवनिंग वॉक पे जाऊंगा तो जल्दी से पहले इसको निपटा देते हैं। शाम के ना 6:30 बजे थे, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना था, क्योंकि अगर डेली टारगेट नहीं लिखूंगा तो बहुत कुछ मिस हो जाता है मेरा कभी कभी, और जब सामने रहता है तो टारगेट अचीव करना थोड़ा आसान रहता है। तो थोड़ा सा इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया है, बस बीच में थोड़ा बड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दिया, बाकी पुराना जो अपना टारगेट्स है वो सब सेम ही है 21 से 30 तारीख का। फिलहाल आज 21 तारीख था और ये डेली ही एडिट होगा, तो आज तो कोई टारगेट मैं एक्स्ट्रा लेके नहीं चला, जितने जो चीज़ें मैंने करी है वो चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। जैसे एडिटोरियल मैं जब बाहर गया था अभी, जैसे आपने वीडियो में देखा वहाँ पर मैं पढ़ रहा था, तो एम्पावरिंग इकोनॉमी ये वाली एडिटोरियल मैंने पढ़ी, फिस्कल पॉलिसी बजट ये मैंने शाम में जाने से पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा और बचा है उसको कंप्लीट कर लेंगे अभी रात में, फ्लो चार्ट थोड़ा बना चुका हूँ और ऐसे एक ऐसे लिख लेंगे, उसके अलावा और भी अगर कोई वर्क करता हूँ तो वो भी इसमें ऐड करूँगा, ताकि डेली वर्क का शेड्यूल जो हमारा अप टू डेट रहे, और डेली वर्क करने में भी थोड़ा आसान पड़ेगा जब ये साथ में रहेगा और पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो ये थोड़ा चेंजेस था, बाकी अभी नाश्ता करने वाले हैं, फिर 6:30 बजे है, मतलब नाश्ता करने के बाद 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाएंगे, और 7 से 9:30 के बीच में ये ऐसे वाला राइटिंग और फिस्कल पॉलिसी वो तो हो जाएगा, उसके बाद एक PPS का कुछ कर लूँगा, बेसिक इकोनॉमी कुछ जो भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो चलो नाश्ता करते हैं फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको।
7:15 बज चुका है और 2 घंटे का अपना टारगेट है आज का, मतलब अभी का, कि 2 घंटे पढ़ते हैं हम और 9:15 तक, मतलब एक टारगेट रखे हैं हम, देखते हैं 2 घंटे में क्या क्या कंप्लीट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2 घंटे की ये वाली शिफ्ट की पढ़ाई। एक आवाज मिनट अभी पढ़ा और थोड़ा पॉज कर दिया क्योंकि इन्फ्लेशन आज पढ़ने का मेरा टारगेट था नहीं, बट फ्लो में थे तो पूरा इन्फ्लेशन भी पढ़ दिए, मतलब पूरा नहीं पढ़े अभी, ये थोड़ा पार्ट बचा है यहाँ पर, ये वाला पूरा पार्ट बचा है, इसको थोड़ा पढ़ा यहाँ और यहाँ, और ये वाला थोड़ा बचा है, क्योंकि आज का टारगेट था नहीं तो बस जो सही टॉपिक सब लगा वो पढ़ लिया, बाकी अभी और बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस बोर्ड में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन था नहीं, मैंने पढ़ लिया तो अब इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो पहले चेंज करते हैं इसको, तो इन्फ्लेशन इसमें ऐड कर दिया, बाकी ये वाला पार्ट अपना हो गया फिजिकल पॉलिसी इन बजट। इन्फ्लेशन में भी सेमी तो कर सकते हैं क्योंकि 1-2 पेज ही बचा, ये भी हो सकता है, और हो सकता है ये रात को पढ़ लूंगा, अगर नहीं पढ़ा तो कल वाले में ऐड कर लूंगा। बाकी एडिटोरियल पढ़ लिया है पूरा, बाहर गया था तो पढ़ ही लिया पूरा। फ्लो चार्ट भी बन गया, फ्लो चार्ट अब थोड़ा थोड़ा रोज बनाना है, उसमें रोज ऐड करना है जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ता चलूंगा। बाकी अभी बचा है एक एसे राइटिंग, तो एसे राइटिंग अभी करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अगर टाइम मिला तो इन्फ्लेशन भी कम्प्लीट करेंगे, लेकिन अभी मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि अभी मैं कोई बुक पढ़ूँ। तो एसे राइटिंग एक करते हैं, कोई टॉपिक खोजते हैं पहले अपने लिए, और उसके बाद ये वाला इन्फ्लेशन वाला बचा हुआ पार्ट भी कर लेंगे। तो चलो चलते हैं फिर। आज जो एसे का टॉपिक है मेरा, वो इस बार का क्वेश्चन जो आया था, फॉरेस्ट प्रेसिड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। तो आज मैं बेसिकली ऐसे लिखूंगा नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे देखूंगा कि कैसे सब कुछ नोट किया जाता है, इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन बॉडी, और जैसे ये देख रहे हो ना महात्मा गांधी का एक कोट किया हुआ है लाइन, तो वो सब चीज सीखूंगा बेसिकली। तो करेंगे ऐसे को स्टार्ट इसी तरह से देख के करेंगे, टोटली सब कुछ लर्न करेंगे बेसिकली, मतलब समझ लो कि ऐसे कैसे लिखना है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरह से स्टार्ट होता है, फिर किस तरह से बॉडी, और फिर ये एंडिंग कहाँ है, हाँ ये एंडिंग वाला कंक्लूजन, फिर ये सब जो लाइंस है ये कहाँ से लाते हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप से करेंगे। तो बेसिकली आज लर्निंग फेज होगा ऐसे का, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखना। सफलता तुम्हारे कदमों में या तुम्हारे प्लेट में परोस के नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है भाई। देख लो, रूखा सूखा खाओ, जरूरत भर खाओ और एक्टिव रहो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं।